सब्सक्राइब करें मेरी चैनल विद रजनी को और मेरे आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रजनी और आज मैं आपके लिए डार्क सर्कल को रिमूव करने के लिए एक इजी और इफेक्टिव होम रेमेडी लेकर आई हूँ। और इसका बेस्ट बेनिफिट ये है कि आप इसे एक बार बनाकर इसे फ्रीजर में रख दो, बाद में आप इसे 20 से 25 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपको रोज़ पैक बनाना, लगाना, ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। और जो वर्किंग वूमन है उसके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि जिसके पास टाइम नहीं होता है रोज़ बनाने का, तो बस इसे आप बनाकर फ्रीज़र में रख दो और फिर रोज़ इसे यूज़ करो। और ये इतनी इफ़ेक्टिव है कि आपके डार्क सर्कल को ये 3 से 4 दिन में ही गायब कर देगी। आप इसके एक दिन के यूज से ही देखेंगे कि आपके डार्क सर्कल कितने लाइट हो रहे हैं। डार्क सर्कल होने का जो मेन रीज़न है वो है पिगमेंटेशन। जो मेलेनियम का प्रोडक्शन स्किन में ज़्यादा हो जाता है तो स्किन डार्क होने लगती है। तो हमारे आँखों के नीचे अगर मेलेनियम का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो वो एरिया एकदम डार्क होने लगता है। तो ये मैं होम रेमेडी लेकर आई हूँ, इससे आपके डार्क सर्कल 3 से 4 दिन में ही बिल्कुल गायब हो जाएंगे। ये डार्क सर्कल को तो रिमूव करता ही है, इसके साथ अगर आपको फाइन लाइंस और रिंकल जैसी प्रॉब्लम है तो वो भी इससे दूर हो जाएगी। और इसे रोजाना यूज़ करने से आपकी आँखों की थकान भी दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस रेमेडी को कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए, इसके लिए मैंने ये खीरे की जो स्लाइस होती है उसे बीच में से काट दिया है और ये करीब 20 से 25 होगी। और हमें दूसरा चाहिए, ये दालचीनी का पाउडर लिया है मैंने 1 चम्मच, 2 विटामिन ई ऑयल कैप्सूल ली है, 1 छोटी चम्मच बादाम का तेल लिया है और 1.5 चम्मच नींबू का रस लिया है। तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उससे पहले मैं मिक्स कर दूंगी। तो ये बादाम का तेल ऐड कर देती हूँ इसके अंदर, लेमन जूस और 2 विटामिन ई ऑयल कैप्सूल। अब इस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस मिक्सचर को हम खीरे की स्लाइस पर इसे लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आपको लगा देना है और ये सारी स्लाइस पर लगा देने के बाद इस खीरे की स्लाइस को आपको फ्रीज़र में रखना है। और फ्रीज़र में 4 से 5 घंटे रखने के बाद इसे आप यूज़ कर सकते हैं और इसे आप 20 से 25 दिन के लिए इसे फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो आपको इसे रोज़ बनाना नहीं पड़ेगा, आप एक बार बनाकर इसे फ्रीज़र में रख दीजिए, बाद में इसे आप रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने पूरा सीरम सब स्लाइस पर अच्छे से लगा लिया है और इसे मैं इसी तरह से फ्रीज़र में रख दूंगी। और ये स्लाइसेस आप जब अपनी अंडर आई एरिया पर रखेंगे तो आपको थोड़ी सी जलन होगी कुछ सेकंड के लिए, लेकिन फिर वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। देखिए, आपको इस तरह से आपको अपने अंडर आई एरिया पर इसे लगा देना है और इसे लगाने के बाद आपको 15 से 20 मिनट इसे ऐसे ही रखना है, बाद में इसे निकाल देना है और बाद में आप अपने फेस को किसी ठंडे पानी से वॉश कर दीजिए। इस रेमेडी को आपको रोज़ यूज़ करना है जब तक आपके डार्क सर्कल रिमूव नहीं हो जाते। और डार्क सर्कल रिमूव होने के बाद भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, स्किन को टाइट करता है ये और आपकी थकान को भी ये दूर करता है। तो आप इसे रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके डार्क सर्कल रिमूव हो जाए, बाद में आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप कोई भी अंडर आई जेल यूज़ कीजिए ताकि आपको बाद में डार्क सर्कल ना हो। इसके अंदर खीरा ऐड किया है। खीरा हमारे अंडर आई एरिया को फ्रेश बनाता है, हमारी थकान को दूर करता है, लेकिन वो डार्क सर्कल को रिमूव नहीं करता है, वो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है।
और जो डार्क सर्कल होते हैं उसके रिमूव करने के लिए इसके अंदर लेमन जूस ऐड किया है, क्योंकि लेमन जूस में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो डार्क स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइटर करता है। और इसके अंदर बादाम का तेल यूज़ किया है। बादाम के तेल के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन ई ऑयल होता है जो स्किन को हाइड्रेट करता है और स्किन की इलास्टिसिटी को टाइट करता है, जिसे अगर आपको फाइन लाइंस और रिंकल जैसी प्रॉब्लम हो तो वो इससे दूर हो जाती है। और इसके अंदर सिनेमन पाउडर ऐड किया है। जो दालचीनी का पाउडर होता है वो हमारी आँखों के नीचे की जो स्किन होती है उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही फास्ट कर देता है, जिससे डार्क सर्कल जल्दी रिमूव होते हैं। अगर आप मार्केट में मिलने वाली अंडर आई जेल या क्रीम का यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ही कॉस्टली होती है और वो उसमें बहुत केमिकल भी होता है, तो उसे यूज़ करने से पहले आप एक बार इस रेमेडी को यूज़ कीजिए। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और 2 से 3 यूज में ही आपको इसका विजिबल डिफरेंस दिखेगा आपकी आंखों के नीचे। प्लीज़ आप इसे बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी आज की रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे और वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।